टू माई यूट्यूब चैनल एल्स विद एम के। सो गाइज, आज हम लोग नेक्स्ट क्यू कार्ड है उसको डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। सो अगर कोई भी बच्चा ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड है तो इस गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। सिंगल मॉड्यूल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। क्लास टाइम मैंने मेंशन किया हुआ है जिसमें राइटिंग एंड स्पीकिंग फीडबैक भी इंक्लूड है और डेली डिस्कशन होती है सारे मॉड्यूल्स की। सो आज का जो हमारा क्यू कार्ड है उसको हम देखते हैं। वो है डिस्क्राइब एन एडवेंचर दैट यू वॉन्ट टू ट्राई। कोई एडवेंचर जो आप ट्राई करना चाहते हो, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे कि कौन सा एडवेंचर है, किसके साथ करना चाहते हो और आपको उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला वेल एडवेंचर एक्टिविटीज़ प्ले अ वेरी पार्ट एंड पार्सल रोल इन एवरी पर्सनल लाइफ। कि जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं वो पार्ट एंड पार्सल रोल प्ले करती हैं, मीन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पीपल चूज़ अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। लोग अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं कि उनको कौन सी एडवेंचर एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। टू बी ऑनेस्ट, देयर आर डिस्पैरेट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ आर अवेलेबल। बहुत सारी एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं जैसे कि पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग एंड सो ऑन। बट इन दिस क्यू कार्ड आई एम गोइंग टू आर्टिकुलेट अबाउट एन एडवेंचर विच आई वॉन्ट टू ट्राई। लेकिन इसमें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उस एडवेंचर के बारे में जिसको मैं ट्राई करना चाहता हूँ। इट्स नन अदर दैन पैराग्लाइडिंग। वो क्या है? पैराग्लाइडिंग है। एक्चुअली आई डोंट लाइक टू डू एडवेंचर बट आई वॉन्ट टू ट्राई दिस स्पोर्ट ड्यू टू सम रीज़न। मुझे एडवेंचर एक्टिविटीज़ पसंद तो नहीं है लेकिन मैं इस एक्टिविटी को करना चाहता हूँ कुछ रीजन्स के वजह से। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न, जो मेन रीज़न है इसके पीछे, दैट आई हैव अ फोबिया फ्रॉम हाइट। मुझे हाइट से फोबिया है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। मैं इस प्रॉब्लम से, हाइट वाले फोबिया से, मैं अपने आप को ओवरकम करना चाहता हूँ। एक्चुअली माई फ्रेंड एंड मी वॉन्ट टू ट्राई दिस स्पोर्ट। हम इस स्पोर्ट को ट्राई करना चाहते हैं एंड वी हैव चूज्ड शिमला। और हमने शिमला को चूज़ किया है विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सिटी, जो कि बहुत ब्यूटिफुल सिटी है। वी विल डू द स्पोर्ट्स अक्रॉस द शिमला। हम शिमला में करेंगे इसको। वी वॉन्ट टू गो टू शिमला ड्यूरिंग समर वेकेशंस। हम समर वेकेशंस में जाना चाहते हैं शिमला। At that time we all will be free from our hectic schedule, क्योंकि summer vacations के time पर हम सभी लोग free होंगे। I choose this place as it is one of the most safest place to try dangerous sports. मैंने इस place को choose किया है क्योंकि ये सबसे safest place है अगर हम adventure activities को try करना चाहते हैं। Even last month my cousin also did so many adventure activities. Even कि मेरे cousin ने भी same एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं वो शिमला में की थी। सो उसने मुझे ये सजेस्ट की है। सो ही सजेस्टेड मी अबाउट दिस प्लेस। सो उसने मेरे को सजेस्ट किया है। फर्दर मोर वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड एज वेल एज नर्वस। हम एक्साइटेड भी हैं और लिटिल बिट नर्वस भी हैं बिकॉज वी हैव नेवर ट्राइड दिस बिफोर। बिकॉज हमने पहले कभी भी पैराग्लाइडिंग नहीं की है। नो डाउट इट विल बी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर अस। पता है भी डिफ़िकल्ट तो होगा बट वी वॉन्ट टू ट्राई इट। लेकिन हम इसको ट्राई करना चाहते हैं। आई हैव ऑल्सो परचेज न्यू ट्रैक सूट अलॉन्ग विद स्पोर्ट्स शूज़ टू डू दिस एक्टिविटी। तो मैंने ट्रैक सूट्स और स्पोर्ट्स शूज़ खरीद लिए हैं इसको करने के लिए। बिसाइड दिस वी विल फॉलो ऑल प्रिकॉशंस एंड अदर सेफ्टी मेजर्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ। इसके अलावा हम सभी प्रिकॉशंस एंड अदर सेफ्टी मेजर्स को लेंगे ताकि हम खुद को बचा सकें। Eventually, I want to say that, lastly, मैं यही बात कहना चाहता हूँ, that day will be the red letter day of my life. वो दिन मेरी ज़िंदगी का red letter day होगा, means memorable day होगा, when I will do paragliding, जब मैं paragliding करूँगा. And I will click so many pictures, तो मैं बहुत सारी pictures को click करूँगा, then I will upload that pictures on my social media account, then उसके बाद मैं ये सारी pictures को social media account में share करूँगा and I hope my all friends will appreciate me a lot. और मुझे आशा है कि मेरे सभी friend मेरे को appreciate करेंगे. So this is an adventure which I would like to try in the upcoming time. So यही एक adventure है जो कि मैं try करना चाहता हूँ upcoming time में. सो इसका जो फर्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन है वो है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी शुड ए पर्सन हैव टू बी एबल टू टेक अ रिस्क।
बी ऑनेस्ट, देयर आर मल्टीफेरियस पर्सनैलिटी, शुड अ पर्सन हैव टू बी एबल टू टेक अ रिस्क, बहुत सारी पर्सनैलिटीज होनी चाहिए, लाइक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस एंड सो ऑन. बट द मोस्ट इम्पैरेटिव, इम्पैरेटिव मीन्स इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो सबसे ज़रूरी है, अ पर्सन शुड हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट फेलियर एंड मूव ऑन. पर्सन के पास इतनी शक्ति होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि वो फेलियर्स को एक्सेप्ट करे और आगे मूव कर सके. सो ये सारी पर्सनालिटीज़ हैं उस पर्सन में होनी चाहिए. डू एडवेंचर एक्सपैंड आवर होराइजंस, एब्सोल्युटली एडवेंचर एक्सपैंड आवर होराइजंस, एज विद द हेल्प ऑफ रिस्क वी कैन स्टेप आउट ऑफ आवर कम्फर्ट जोन. क्योंकि जब हम रिस्क लेते हैं तो हम अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आते हैं, एंड इट प्रोवाइड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑर्डर टू लर्न नोवल थिंग्स. और जब हम रिस्क लेते हैं तो हम न्यू चीज़ें हैं वो सीखते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इट ऑल्सो फॉस्टर पर्सनल ग्रोथ. इससे क्या होती है, जो पर्सनल ग्रोथ है वो भी अच्छी होती है. वट काइंड ऑफ पीपल लव एडवेंचर, किस तरह के लोगों को एडवेंचर पसंद होता है. अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव, मेरे परस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग, मोस्टली यंगस्टर गिव मच प्रेफरेंस टू एडवेंचरस एक्टिविटीज़. मोस्टली जो यूथ होता है उसको एडवेंचर एक्टिविटीज़ अच्छी लगती हैं, बिकॉज दीज स्पोर्ट्स नीड एक्सट्रीम स्टैमिना, फिजिकल फिटनेस. क्योंकि एडवेंचर एक्टिविटीज़ में हमें ज़्यादा स्टैमिना और फिजिकल फिटनेस की ज़रूरत होती है, जो कि यूथ में होती है. अवर सम सीनियर सिटीजन एंड चिल्ड्रन हु आर मेंटली स्ट्रॉन्ग ऑल्सो ट्राइड. लेकिन जो ओल्ड पर्सन होते हैं, जो बच्चे होते हैं जिनके पास स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर होती है, जिनकी मेंटालिटी स्ट्रॉन्ग होती है, वो भी इसको ट्राई कर सकते हैं. हमसे यही पूछा था ना कि कौन कौन कर सकता है, तो मैंने बोला यूथ भी कर सकता है, लेकिन जो बच्चे हैं छोटे और सीनियर सिटीजन भी कर सकते हैं. Which one is more interesting, adventure stories in the books or adventure film? कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा interesting है, adventure books को read करना या फिर adventure movies को देखना? I think it's depend upon person taste and preference. मुझे लगता है कि person to person depend होती है. Like some masses are avid reader, कुछ जो लोग होते हैं उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. गिव मच प्रायोरिटी टू बुक्स, सो वो किसको चूज़ करेंगे, बुक्स को चूज़ करेंगे. हाउएवर अकॉर्डिंग टू मी एडवेंचर फिल्म्स आर मोर कैप्टिवेटिंग ड्यू टू विजुअल इफेक्ट. लेकिन मुझे लगता है कि जो एडवेंचर फिल्म होती हैं वो ज़्यादा कैप्टिवेटिंग होती हैं, ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि उसमें हम सब कुछ विजुअल देखते हैं. ठीक है, विजुअली हमें सब कुछ अवेलेबल होता है. Who likes to read adventure books? Adventure books किसको read करना पसंद है? As I already told you, जैसे मैंने आपको पहले बताया, that mostly those person love to read adventure books who love reading. पहले तो उसको पसंद है जिसको reading करना अच्छा लगता है, वो adventure books को पढ़ता है. Moreover, it appeals to individual. ये खुशी देता है, appeal means खुशी देता है उस individual को. Who like thrilling and action-based stories? जिसको thrilling और action-based stories अच्छी लगती हैं, उनको एडवेंचर बुक्स को रीड करना अच्छा लगता है. हु डज़ नॉट लाइक टू टेक एडवेंचर, किसको एडवेंचर करना अच्छा नहीं लगता. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन फॉर मी, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है. बट आई थिंक हु डोंट लाइक टू टेक रिस्क, हु हैव लो कॉन्फिडेंस, स्टैमिना एज वेल एज लेस विल पावर, दे डोंट लाइक टू टेक एडवेंचर. सो मैंने क्या बोला, जिसको रिस्क लेना नहीं अच्छा लगता, जिसके पास कॉन्फिडेंस की कमी होती है, स्टैमिना की कमी होती है, लेस विल पावर होती है, उसको एडवेंचर एक्टिविटीज़ करना नहीं अच्छा लगता. आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा. सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. थैंक यू सो मच.